बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब आपको यहां पे दो फंक्शन दे रखे होंगे या दो से ज्यादा फंक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, टू या टू से मोर देन फंक्शन अगर आपके पास है। सपोज कर लेता हूं मैं यहां पे यू एंड वी कोई दो फंक्शन है, ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट फंक्शन यू एंड सेकंड फंक्शन वी और इसका डीएक्स निकालना है। तो इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इसको सेकंड मान सकते हो, ठीक है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डीएक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स फिर होल डीएक्स, इस पूरे फंक्शन का डीएक्स होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, या तो आप इसको कह सकते हो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस डी अपॉन डीएक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स पूरे का होल डीएक्स। इन दोनों पॉइंट एक ही बात है। अगर यू वी के फंक्शन मानते हो, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू होगी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन दो यू वी है, यहाँ पे कुछ भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, आई लेट यू, आई एल ए टी ई यू, आई लेट यू। आई लेट यू का मतलब होता है, इसको ट्रिक होती है, इसको याद करें। सबसे पहले इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई का मतलब एलिमेंट्री मेथड और यू का यूनिटी मेथड या एक्सपोनेंशियल सीरीज भी कह सकते हो। ई का मतलब क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। तो यानी इस ऑर्डर में आपको फंक्शन को पहले मानना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे लिखा है log x tan inverse x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, dx निकालना है, तो अब आप किसको फर्स्ट मानो किसको सेकंड मानो इसके लिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मानने के लिए फर्स्ट सेकंड अब मैं किसको मानूंगा, तो मैं सबसे पहले आई लेट यू का क्या करूंगा, यूज करूंगा, आई लेट यू का यूज करूंगा। आई लेट यू का एक तरीका है, मतलब बना रखा आई लेट यू, पहले इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट मानना, फर्स्ट फंक्शन ही हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पास समझ में आ गई। फर्स्ट सेकंड के लिए क्या करना होता है, कोई दो फंक्शन है, दो फंक्शन या दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टू या टू मोर देन टू फंक्शन हो सकते हैं। तो इन फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए यू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, डीएक्स का मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, माइनस बी अपॉन डीएक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएक्स पूरे का होल डीएक्स हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो यानी कि आप चाहे तो इसको लिख लो चाहे ये लिख लो, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आई लेट यू का कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट एक्स साइन एक्स डीएक्स, आपको इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। अब इस फंक्शन में आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे और सेकंड फंक्शन किसको मानना, आपको देखना है कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या बताया था आपको, आई लेट यू, आई एल ए टी ई यू, आई लेट यू इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन इसमें क्या है x, उसके बाद sin x कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने अभी सॉल्यूशन में क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ sin x फिर dx पूरे का होल dx होता है। ये बात समझ में आई, मैंने जैसा फॉर्मूला में था उसे पुट कर दिया, ठीक। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos x, लेकिन प्लस होता है माइनस होता है, माइनस का होता है इंटीग्रेशन, sin का उल्टा माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन d / dx x, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 * sin x का माइनस हो जाएगा cos x, फिर होल dx है,
तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस सी। सी क्या होता है यहाँ पे? इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। तो ये आपका आंसर होगा डेफिनेटली इंडेफिनिट। ये अभी जो है आपका इंडेफिनिट इंटीगल चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडेफिनिट इंटीगल। डेफिनेट इंटीगल में सी लगाने की जो जरूरत नहीं होती। तो डेफिनेट इंटीगल इंडेफिनिट इंटीगल जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी यूज होता है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। या अगर कहीं पे आ भी जाती है या किसी भी कोई अलग मेथड से करोगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है, उसमें अदर वैल्यू भी ले जाते हैं, यानी कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू को सी को कवर कर लेते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो।